इलाहाबाद, जिसका नाम अब इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में से स्थित एक नगर इलाहाबाद जिला का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी माना जाता है। यह हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयागराज स्थल पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का गुप्त रूप से संगम में मिलती हैं, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ एवं कुंभ लगता है। यहां पर हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सन 1500 की शताब्दी में मुस्लिम राजा द्वारा इस शहर का प्रयागराज नाम से बदलकर इलाहाबाद किया गया था, जिसने अक्टूबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस आकर बदलकर फिर प्रयागराज रख दिया गया। मान्यता अनुसार यह सृष्टि ब्रह्म सृष्टि कार्य कर पूर्ण होने के बाद ही प्रथम यज्ञ किया गया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रश्न दिया इसका नाम जो है प्रयाग बनाकर जो है प्रयागराज रख दिया गया है, जहां भगवान श्री ब्रह्म जी ने सृष्टि की सबसे पहले यज्ञ संपन्न किया गया था। यह पावन नगरी अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहां पे वेणी माधव रूप में विराजमान भी है। भगवान ने 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव भी कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू महासम्मेलन महाकुंभ के 4 स्थलियों में से एक से 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक और एक प्रयागराज माना जाता है। यदि आप भी भारत के निवासी हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये भारत के रिलेटेड भ्रमण से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको समय समय पर जो भी अपडेट होगा मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।